नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। पहले चैप्टर एट ग्लेंस जानते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर में हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमने ये जान लिए तो हम इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इन दोनों कॉन्सेप्ट से मात दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले भूमिका पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री विच हेल्प्स अस टू फाइंड द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एट एनी पॉइंट विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। मतलब दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर हमारा टिक्नोमेट्री पे बेस्ड है। अगर आपने अभी तक टिक्नोमेट्री की वीडियोस नहीं देखी तो देखिए दोस्तों, उसमें हमने बताया है टिक्नोमेट्री के फॉर्मूलेस के बारे में, टिक्नोमेट्री के कैसे बनी है इनके बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको टिक्नोमेट्री आती है तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये इसमें टिक्नोमेट्री का काफ़ी काम है। तो ये हमें हाइट एंड डिस्टेंस बताता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा दूर है, या बिल्डिंग कहीं दूर है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम उसकी यहाँ से या टॉप से यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। ये हम एच पता कर सकते हैं, हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं एल, और इसकी बेस पता कर सकते हैं बेस, वहीं पर खड़े होकर जहाँ पर हम खड़े हैं, विदाउट एनी मेजरेबल कैलकुलेशन। सिर्फ सिंपल से कैलकुलेशन यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ये एच निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, और बी निकाल सकते हैं। तो ये है यूज़ इसका टिक्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट पी क्यू बी योर टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड एंड द बिहेव ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट आर ऑन द लेवल ग्राउंड इज बीइंग पी। मतलब दोस्तों, एक ये हम टावर ले लेते हैं, एक ए बी, एक ए और बी टावर ले लेते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं, मतलब बी मतलब पी, हम एक हम इंसान खड़ा है। अगर वह यहाँ से एंगल ये यहाँ से वो टॉप ऑफ द टावर देखता है, तो उसका जो एंगल बनता है, जो ज़मीन से ऊपर की तरफ एंगल बनता है, उसे हम थीटा कहते हैं। और ये थीटा कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा थीटा एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जो नीचे से कोण देखा जाए, जो नीचे से एंगल देखा जाए बेस और टॉप ऑफ द टावर के बीच में। तो ये दोस्तों, ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, ये काफ़ी उपयोग में आता है। तो कुछ और बातें जानते हैं। एंगल ऑफ एंगल विच द आर पी मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन आर क्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये और ऊपर और नीचे, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग और नीचे बेस से बना हुआ एंगल हमारा थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसी का विपरीत एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है दोस्तों। मान लीजिए ये कि ये बिल्डिंग है ए बी, एक ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हम पी खड़े हुए हैं, यहाँ से ये लाइन बना देते हैं बिल्डिंग की बेस की हमारे हमसे, और यहाँ से ये टॉप ऑफ द टावर। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बी पर खड़ा होकर देखता है पी को, बी पे खड़ा होकर पी को देखता है, तो जो यहाँ पर जो आसमान से एंगल बी, एंगल थीटा जो बनेगा, एंगल थीटा बनेगा, वो हमारा कहलाता है, जो पी को देखने पे बन रहा, तो वह कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है। आइए देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में कुछ बात। इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ एट क्यू एंड व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट आर ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल पी क्यू आर इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर यहाँ पे कोई क्यू खड़ा है,
क्यू बिल्डिंग के ऊपर है और आर कोई नीचे है और यहाँ से बना हुआ ये एंगल हमारा थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये काफ़ी यूज़ में आते हैं। टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा लगा के हम रिलेशन ढूंढ लेते हैं और इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको क्वेश्चन के ऊपर भी चाहिए तो दोस्तों हम क्वेश्चन के ऊपर लाएंगे। कमेंट करें, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।